क्या आपको पता है इंडिया जो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आ रहा है वो डबल से भी ज्यादा होने वाला था। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते होंगे, आप देख रहे होंगे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है सब विनर्स को कॉमनवेल्थ गेम्स के ना विश कर रहे हैं, और ये डबल से भी ज्यादा होने वाला था या होता, बट इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग का गेम हो ही नहीं रहा है। पर्सनली फॉर मी, मैं तो शूटिंग बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, और अगर आप लोगों को नहीं पता है इंडिया जो है अभी वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे है, टॉप पे। अगर आप मेरे 4-5 साल पुराने वीडियोस को देखते आए हो, आपको पता है मैं हर बार बोलते आया हूं कि इंडिया में ना शूटिंग का जो है स्कोप ऐसा है कि वर्ल्ड में कोई जो है हमारा हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता। हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, आप समझ लो हम टॉप पे हैं, जबकि हमारे आसपास शूटिंग रेंजेस नहीं है, फायर आर्म्स के रेंजेस नहीं है, एक्सपेंसिव है हमारे लिए गन्स खरीदना और बुलेट्स खरीदना, कोचेस जो है बहुत कम है, ऑल्दो गवर्नमेंट अब इस पर बहुत ध्यान देने लगी है, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स में हम वर्ल्ड में टॉप कर रहे हैं, वर्ल्ड में। इसके से अच्छी खुशी की क्या बात हो सकती है। बट इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है शूटिंग है ही नहीं स्पोर्ट्स। अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि जो अगर आप पुराने कॉमनवेल्थ गेम्स के उठा के देखो, हर बार हम कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है शूटिंग में बहुत सारे मेडल लेते थे, और उसके वजह से जो है इस बार अगर वो होता तो हम और ज्यादा मेडल लेके आते। बट सैड मैं आपको बताऊं, जसपाल राणा, अगर आप नहीं जानते हो तो जाइए सर्च करिए, वो एक लेजेंड है जिन्होंने इतने सारे मेडल हमें दिलाए हैं। पर्सनली फॉर मी, मैं जो है अभिनव बिंद्रा जी को शूटिंग के वजह से जानता हूँ, और सच बताऊँ, सच एयरसॉफ्ट गन इंडिया जो है मैंने उनको देखा था, वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और उसके बाद से जो है मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं गन्स तो मुझे हमेशा से पसंद था, एयरसॉफ्ट गन इंडिया स्टार्ट करने का इंस्पिरेशन मिला, तो मैं इसे मिस कर रहा हूँ। अब क्या रीज़न है क्यों कॉमनवेल्थ गेम के अंदर शूटिंग जो है गेम नहीं हो रहा है? दो रीज़न है। पहला, जो मैंने न्यूज में देखा, उन्होंने कहा कि हमारे पास ना प्रॉपर सेटअप नहीं है शूटिंग करने का। जिन लोगों को नहीं पता है, जब कभी भी गेम्स होते हैं, अब शूटिंग जो है फायरिंग रेंजेस का गेम है, तो अगर सिटी के जहां पे बाकी सारे गेम्स हो रहे हैं वहां अगर शूटिंग रेंज नहीं भी होता है, तो हिस्ट्री में बहुत बार क्या मतलब, ये जैसे रेगुलर प्रोसेस कि 3-4 घंटे की दूरी पे भी शूटिंग करनी होता है वहां कराया जाता है। और इंग्लैंड का ये बोलना कि हमारे पास गन लाने में दिक्कत हो रही है या बुलेट्स का एम्युनेशन का दिक्कत है और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इट इज काइंड ऑफ ए जोक। पता है क्यों? वेबली यूके में बनती है, और आपको पता है इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड में राज गन के वजह से किया था। अभी भी बहुत सारे कंट्री का जो वेपन है वो यूके से आता है। इनफैक्ट इंडिया के जितने भी शूटिंग स्टार्स हैं, जो लोग शूटिंग करते हैं, प्रोफेशनल गेम्स खेलते हैं, उनके वेपन्स वहीं से आते हैं, इंग्लैंड से आते हैं, उनके एम्युनिशन इंग्लैंड से आते हैं। सो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एंगल है। मैं आई विल नॉट गो डीप इन दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हो क्यों जो है इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग को नहीं लेके जाया गया है, और आपका फेवरेट शूटर कौन है, कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।